हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और बच्चों, आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हम अपनी वीडियो में जो देखने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शन डिजिट्स को उनका एडिशन कर सकते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो हमारा है। आज हम लेंगे अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर हम लेंगे एडिशन और इधर हम लेंगे अपना सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एडिशन के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी बच्चों, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम अपना नंबर लेते हैं, फर्स्ट सम 2/3 प्लस 4/6। बच्चों, अगर आपने फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है कि फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, उनको चेंज करना, मिक्स को आप किस तरीके से कर सकते हो, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, तो मैम ने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें अच्छे से आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो आज हम सबसे पहले देखते हैं अपना एडिशन का, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लिए हैं, दो फ्रैक्शन लिए हैं, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहला तो एक मेथड तो क्या है बच्चों, कि आप इन दोनों डिजिट का क्या लो, एलसीएम लो, ठीक है। जो आपके डिनोमिनेटर दे रखे हैं, इन डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना हम सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मैम के चैनल पे जाके उनके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कि किस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए अब मेरे पास और एलसीएम हमें किसके निकालने होते हैं, डिनोमिनेटर के। तो हमने डिनोमिनेटर लिए 3 और 6, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो हम देखो इसको करेंगे 3 1 3 एंड 3 2 6, ठीक है। अब हम इनको क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 × 2, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 6, ठीक है। क्या आया बच्चों, 6 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम जो हमारा ये 6 आ गया है, अब हमें इसको प्लस करना है। किस तरीके से करना है वो देखो, ये देखिए हमारा एलसीएम क्या आया था, 6। मैं आपका एलसीएम यहाँ पे निकाल देती हूँ इसको, ताकि ये भी आपको समझ में आता रहे 3 और 6 का किस तरीके से निकाला, 3 1 3 3 2 6, तो 3 × 2 कितना आ गया हमारा, 6, ठीक है। तो मैंने 6 ले लिया। अब देखो, अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है बच्चों, इसको आपसे इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना है। तो 3 × 2 = 6, डिवाइड करके क्या आया, 2, और इस 2 को हम न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 4 हमने यहाँ लिख दिया। निशान क्या डालेंगे हम, प्लस का। अब हमको फिर से क्या करना है बच्चों, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना है। तो 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 = 6, हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो और जो हमारा 1 आ रहा है उसको हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 × 1 = 4, ठीक है। नाउ वी गेट, हमें क्या मिल गया, 4, इनको प्लस करेंगे, 4 + 4 कितना आ गया, 8 अपॉन में 6, ठीक है। यहां तक हमारा आ गया एडिशन करके। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पे ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकती है हमारी फ्रैक्शन, तो हम इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कट हो सकती, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया एंड द आंसर इज 4/3। आई होप बच्चों, ये आपको एडिशन का तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। वन मेथड तो ये था, इसका सेकेंड मेथड और करते हैं, आई होप आपको वो भी समझ में आएगा। एक और मेथड अब हम लेते हैं, इसमें देखो इसी सम को हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमने लिया था 2/3 प्लस 4/6, ठीक है, इस तरीके से लिया था। अब हम इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, 3 2 = 6 और 6 1 = 6, आई होप आपको समझ में आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर क्या कर दिए हमने, सेम कर दिए।
किस तरीके से करें कि हमने देखा कि मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, ठीक है, या फिर आप 6 को देखो कि आप 6 के टेबल में तो 3 नहीं आ सकता, लेकिन मैंने देखा कि 3 के टेबल में जरूर 6 आ रहा है, 3 टू जा 6। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, जिधर आपने डिनोमिनेटर को जिस नंबर से किया है ना, उसी को आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को करोगे। क्लियर है? इसको 1 से किया है तो इसको भी क्या करोगे, 1 से ही करोगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6। क्लियर है? प्लस 4 वन जा 4 एंड 6 वन जा 6। तो आप देखोगे कि हमें देखो ये वाला वही मिल गया ना, यहाँ पर भी 4 प्लस 4 अपॉन 6 एंड द आंसर वी गेट 4 प्लस 4 8 अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर 6। यहाँ पर हम इसको फिर से कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 एंड नाउ वी गेट द आंसर। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इनके एडिशन कर सकते हो, एक इनके बाय एलसीएम मेथड से और इनको एक कॉमन डिनोमिनेटर बना के भी आप इनको इजीली ऐड कर सकते हो बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम अपना करते हैं एक सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं 7/5 एंड 2/6। ठीक है, ये लेते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले करेंगे अपना ये वाला मेथड यूज करके। ठीक है, बाद में एलसीएम वाला करेंगे, ये वाला मेथड यूज करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। यही फर्स्ट कंडीशन थी। स्टेप वन हमारा क्या था कि मेक डिनोमिनेटर सेम। हमें क्या बनानी है, डिनोमिनेटर सेम बनानी। किस तरीके से बनानी है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम 5 को 6 से कर देते हैं, 6 5 जा 30 और 6 को अगर हम 5 से करते हैं तो 6 5 जा 30, दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम। अब हो गया हमारा सम इजी बिल्कुल। देखो अब हमें क्या करना है, हमने पता चल गया डिनोमिनेटर, अब ऊपर भी हमें उसी से करना है। ये सेकंड स्टेप था। अब न्यूमिनेटर को भी उन्हीं से कर देना है। सॉरी, यहाँ पे हम अपना क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, यहाँ पे 5 था। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 5। अब कर लेते हैं नेक्स्ट में, 6 7 जा 42 अपॉन 30 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 6 5 जा 30। अब कुछ नहीं करना हमें, 42 में से 10 माइनस करेंगे, देन वी गेट 32 अपॉन 30। ठीक है, हो गया हमारा माइनस। अब हमें क्या लास्ट में चेक करना है कि यहाँ पे हमारी जो ये फ्रैक्शन है और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकती है या नहीं, तो वो चेक करेंगे। यस, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है, हम इसको देखो, 2 वन जा 2, ठीक है, और 2 सिक्स जा 12, ओके, 2 वन जा 2 एंड 2 फाइव जा 10। तो हमने इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है। अब ये इससे ज्यादा एक टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगी, तो हमारा जो आंसर है वो यही बन जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये मेथड दोनों समझ में आए होंगे, एडिशन का और सबसेक्शन का। तो हमने यहाँ पे दो मेथड सीखे एडिशन के, बाय द एलसीएम, ठीक है, और एक हमारे डिनोमिनेटर सेम करके। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो एलसीएम वाले मेथड से। हमने क्या किया, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यही आएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब हमने क्या करना था, 30 हमारा आ गया कॉमन डिनोमिनेटर, ये एलसीएम आ गया हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, 5 6 जा, ठीक है, क्या आ गया, 5 6 जा 30 और जो 6 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा 42 और माइनस, अब इसको डिवाइड करना है, 6 5 जा, डिवाइड करके क्या आ रहा है, 5, जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 एंड हियर वी गेट द आंसर 32 अपॉन 30। और इसी तरीके से हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में 16 अपॉन 15 करके लिख देंगे। आई होप बच्चों आपको ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ में आए होंगे फ्रैक्शन के। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको आप लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चे, बाय।